गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार पीसीएस चेक को के लिए जो हमारा थर्ड लेक्चर है एविडेंस एक्ट का, उस लेक्चर को करने जा रहे हैं। बिहार के लिए जो कुछ केसेस वगैरह हैं कि कौन कौन से केसेस पूछे जा सकते हैं, उन केसेस की शायद हमने लिस्ट आप लोगों को दी थी कुछ केसेस की, आज हम वो लिस्ट वगैरह भी आपको दे रहे हैं कि उसमें जो कुछ बचे हुए केसेस थे उन केसेस को भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आपको कितना जानना है केसेस के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे कि केसेस के बारे में आपको कितना जानना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं जाननी। तो देखिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि आपको वहाँ पर केवल ऑप्शन ही टिक करना है, तो केस में क्या हेल्ड किया गया या सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें नहीं, बस आपको बस इतना जानना है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा केस जो था वो किससे संबंधित है। कुछ केसेस में आपको ये भी जानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में क्या हेल्ड किया, किस चीज को किस आधार पर चैलेंज किया गया, ये सब चीजें भी आपको जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बोलते हैं कि हम चूंकि शायद हमने सेक्शन जो आपको पढ़ाया था वो सेक्शन 16 तक हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हमें जो डिस्कस करना था वो सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 31 तक के जो प्रोविजंस हैं उन पे हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 31 तक जो प्रोविजंस बताए गए वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो एडमिशन से रिलेटेड, और इसमें जब हम सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक के प्रोविजंस को देखेंगे तो वहाँ पर कन्फेशन के बारे में बताया गया है। तो चूंकि देखिए हम एडमिशन या कन्फेशन की बात करते हैं तो एडमिशन ही कन्फेशन है। एडमिशन की अगर हम बात करें तो सॉरी कन्फेशन की अगर हम बात करें तो कन्फेशन ही एडमिशन है। तो इस वजह से आज जो हमें देखिए शुरू करना है वो सेक्शन 17 से शुरू करना है। सेक्शन जो 16 था, सेक्शन 16 तक हमने आप लोगों को बता दिया था, सेक्शन 16 के साथ में सेक्शन 34 हमने बताया था, और उसके अलावा में सेक्शन 32 भी इसके साथ में देखा जा सकता, सेक्शन 32(2) भी देखा जा सकता है, लेकिन 32(2) के बारे में हम डिस्कस तब करेंगे जब हम आपको सेक्शन 32 के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 17 क्वेश्चन जो प्री में पूछा था, सेक्शन 17 में किसको बताया गया है, तो एडमिशन के बारे में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 17 में एडमिशन जो बात की गई कि एडमिशन किस तरीके से किया जा सकता है, तो एडमिशन ओरल में किया जा सकता है, एडमिशन रिटन राइटिंग में भी किया जा सकता है, और एडमिशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होंगे उनके माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि एडमिशन केवल ओरल में या रिटन में, इलेक्ट्रॉनिक तरीके जो होंगे उनके माध्यम से भी एडमिशन जो होगा एडमिशन किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन, कि एडमिशन की रेलिवेंसी कब होगी, तो कोई भी एडमिशन तभी रेलिवेंट होगा जब क्या बोलते हैं कि यहाँ पर बताए गए जो क्या बोलते हैं कि एविडेंस एक्ट जो है, एविडेंस एक्ट में बताए गए पर्सन्स के द्वारा एडमिशन किया जाएगा, और एडमिशन उन सर्कमस्टेंसेज या उन सिचुएशंस में किया जाएगा जो सर्कमस्टेंसेस क्या बोलते हैं कि एविडेंस एक्ट में बताई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि एडमिशन की रेलिवेंसी कब होगी तो लिखा हुआ हेयर इन आफ्टर इन दोज सर्कमस्टेंसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड या बाय दोज पर्संस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। तो जब हम सेक्शन 18 पढ़ते हैं तो देखिए पर्सन By those person here in after mentioned जो शब्द इस्तेमाल किया गया, तो जब हम person की बात करते हैं तो देखिए person के context में जो provision किया गया है वो provision कहाँ कहाँ पर किया गया है, section 18 में, section 19 में और section 20 में। ये तीन वो sections हैं जिन sections में ये provision कर रखा गया है कि admission किन लोगों के द्वारा किया जाएगा, तो admission जो होगा वो relevant होगा। दूसरी चीज इन दो सर्कमस्टेंसेज हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड कि एडमिशन तभी रेलिवेंट होगा जब वो उन सर्कमस्टेंसेज में किया गया हो जो क्या बोलते हैं कि हेयर इन आफ्टर मेंशन कर रखी गई हैं। तो देखिए वो कौन सी सर्कमस्टेंसेज होंगी, तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सेक्शन 21
सेक्शन 21 में क्या बताया गया कि एडमिशन कब रेलिवेंट होगा। उसके अलावा में अगर हम बात करें तो सेक्शन 23 की भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कन्फेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कन्फेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए कि कन्फेशन के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 24 जो है सेक्शन 24 की कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब हम देखिए यहां पर बात करते हैं सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 में किस पर्सन के द्वारा एडमिशन किया जाए तो एडमिशन रेलिवेंट होगा, कौन पर्सन एडमिशन करे तो रेलिवेंट होगा। तो सबसे पहले बात अगर हम बात करें कि एडमिशन जो होना चाहिए वो पार्टी के द्वारा एडमिशन किया जाना चाहिए, जो भी पार्टीज हैं पार्टीज के द्वारा एडमिशन किया जाना चाहिए। दूसरी देखिए जो बात की गई है कि एडमिशन ऑन और कौन कर सकता है, तो जो भी ऑथराइज एजेंट होगा ऑथराइज एजेंट के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, ऑथराइज एजेंट के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। इसके अलावा में अगर हम बात करें कि किसी ऐसे पर्सन के द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है जो प्रॉपर्टरी राइट रखता हो या पिक्यूनरी राइट रखता हो, तो ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टरी राइट या पिक्यूनरी राइट रखने वाला पर्सन है तो उस पर्सन के द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। ये हो गया आपका सेक्शन 18। सेक्शन 19 में अगर हम बात करें तो सेक्शन 19 में जो प्रोविजन किया गया है वो प्रोविजन क्या कहता है कि एडमिशन कब रेलिवेंट होगा, तो एडमिशन तब रेलिवेंट होगा जब क्या बोलते हैं कि दो लोगों के बीच में किसी पर्सन की कोई पोजीशन है, पोजीशन डिस्प्यूटेड है। तो अगर दो लोगों के बीच में किसी पर्सन की कोई पोजीशन डिस्प्यूटेड है तो वहां पर क्या होगा कि उस पर्सन के द्वारा अगर अपने पोजीशन के बारे में कोई स्टेटमेंट वगैरह दे दिया जाता है तो फिर वो क्या होगा कि दूसरे पर्सन के खिलाफ रेलिवेंट हो जाएगा। ये सेक्शन 19 की अगर हम बात करें तो इसका इलस्ट्रेशन जो है वो मेंस में भी पूछा जाता है और वो प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए हम एग्जांपल दे रहे हैं इसमें सेक्शन 19 में, जैसे ए जो था ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो नीड दिया गया है एग्जांपल में उसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी जो होगा बी क्या करेगा कि ए की तरफ से सारे पैसे की रिकवरी करेगा जिन जिन लोगों को ए ने पैसा दे रखा है। तो जिन जिन लोगों को ए ने पैसा दे रखा है उस पैसे को वसूल कौन करेगा, बी वसूल करेगा, इसके लिए ए के लिए। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि बी जो होता है उसने B1 B2 B3 और B4, तो ये ए जो होता है ए का पैसा जो वसूला जाना है वो किससे वसूला जाना है, B1 से वसूला जाना है, B2 से वसूला जाना है, B3 से पैसा वसूला जाना है और B4 से पैसा जो है उस पैसे को वसूला जाना है। तो अगर हम बात करें कि मनी की जो रिकवरी की जानी है B के द्वारा A की तरफ से, वो इन लोगों से मनी की रिकवरी की जानी है। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि B जो होता है वो इन सारे लोगों से तो पैसा वसूल लेता है, B ने सारे लोगों से पैसा वसूला, लेकिन B4 जो है B4 से B पैसा नहीं लेता या उसने मनी की रिकवरी नहीं की, तो B4 से मनी की रिकवरी नहीं की गई, तो यहां पर A जो था A ने B के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस किया। A ने क्या किया, B के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस किया। तो A ने B के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस किया तो वहां पे हम अगर बात करें कि बी जो था बी ने जब ए के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दिया और क्या कहा कि बी ने बी फोर से पैसा नहीं वसूला, बी ने क्या नहीं किया कि बी ने बी फोर से पैसा नहीं वसूला, इसलिए बी जो था बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। यहां पर देखिए बी क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है कि जो बी फोर था बी फोर का कोई भी पैसा ए को देना बाकी नहीं था, ए कह रहा है कि बी फोर से पैसा नहीं लिया और बी क्या कह रहा है कि बी फोर को कोई भी मनी जो है वो ए को वापस नहीं करनी थी या ए के द्वारा किसी भी तरीके से जो मनी थी वो बी फोर से रिकवर नहीं की जानी थी। तो यहां पर देखिए जो बी फोर है बी फोर की पोजीशन डिस्प्यूटेड हो गई, क्या पोजीशन डिस्प्यूटेड हो गई कि बी फोर को ए को पैसा देना है या बी फोर को ए का पैसा नहीं देना, बी कह रहा है नहीं देना, ए कह रहा है देना। तो यहां पर अगर बी फोर जो है वो ये कह देता है कि हाँ
हमें पैसा देना है, उसने क्या बोल दिया कि हमें पैसा देना है किसको, ए को। तो ये जो स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट हमने क्या बताया कि ये स्टेटमेंट जो होगा ये बी जो होगा बी के खिलाफ क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि पोजीशन जो डिस्प्यूटेड थी, ये पोजीशन डिस्प्यूटेड होने के कारण ये जो स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट किसके अगेंस्ट चला जाएगा, तो बी फोर का स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट साबित किया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम सेक्शन 20 पढ़ते हैं तो सेक्शन 20 में ये बताया गया कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी पर्सन के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया या कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रेफर कर देता है कि भाई मेरी तरफ से मेरी मेरे बारे में अच्छाई या बुराई या मेरी चीज़ों के बारे में अच्छाई या बुराई जो भी जाननी है वो फला फला पर्सन से आप जान लीजिए या फला फला पर्सन मेरे बारे में आपको बता देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को अगर रेफर कर रखा है तो जिस पर्सन को रेफर कर दिया गया अगर उस पर्सन के द्वारा कुछ बुराई वगैरह या कुछ एडमिशन वगैरह इस तरीके से कर लिया जाता है तो जिस पर्सन ने रेफर किया था उसके लिए क्या होगा कि ऐसा स्टेटमेंट जो होगा जो दूसरे पर्सन ने ही किया है उस पर्सन के लिए क्या माना जाएगा, ये एडमिशन माना जाएगा। तो सेक्शन 18 सेक्शन 19 सेक्शन 20 में वो पर्सन्स बताए गए हैं जिन पर्सन्स के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा कि एडमिशन हो सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 21। अगर पूछा जाए कि व्हाट कन्फेशन क्या बोलते हैं कि रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन एंड रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन कहां पर बताई गई, तो कन्फेशन और एडमिशन जो होगा वो दोनों चीजें कहां पर रेलिवेंट होंगी, सेक्शन 21 में रेलिवेंट होगी। एडमिशन और कन्फेशन कहां पर रेलिवेंट होगा, सेक्शन 21 जो है सेक्शन 21 में एडमिशन और कन्फेशन दोनों ही रेलिवेंट होंगे। तो देखिए एडमिशन क्यों रेलिवेंट होता है, क्या कारण है, तो जब हम सेक्शन 21 पढ़ते हैं तो सेक्शन 21 का देखिए एक ही आधार है। क्या आधार है सेक्शन 21 का, कि स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट सही दिख रहा या स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट अपने आप में क्या होना चाहिए कि वो सत्य होना चाहिए, कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी कथन अपने आप में सत्य दिख रहा है तो वो सत्यता ही इस बात को बताता है ये वो स्टेटमेंट ट्रुथ है या नहीं है, या वो स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो यहां पर जब हम सेक्शन 21 पढ़ते हैं तो सेक्शन 21 ये कहता है कि स्टेटमेंट चाहे अपने फेवर में किया गया, स्टेटमेंट चाहे अपने क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट के अगेंस्ट किया गया, अगर वो स्टेटमेंट सही है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वहां पर क्या होगा कि जो ऐसा स्टेटमेंट होगा ऐसे स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा कि रेलिवेंट माना जाएगा एडमिशन के रूप में। तो जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लीजिए ए और बी में आपस में कोई मुकदमा चल रहा है, ए और बी में आपस में कोई मुकदमा चल रहा है। यहां पर देखिए बी जो होता है ए ने कुछ भी कहा कि भाई फला फला जमीन जो है वो मेरी है, बी ने कहा ये जमीन आप ही की है, ये जमीन मेरी नहीं है, मेरा जमीन पर अधिकार नहीं है। ए ने बी से कहा इन्होंने पैसे मुझसे उधार लिए थे, बी ने कहा कि हाँ मैंने पैसे उधार लिए थे। उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया या उसने डिनाई नहीं किया एक ही बात को। तो यहाँ पर देखिए ए जो है ए के द्वारा जो भी स्टेटमेंट बी के लिए दिया जा रहा है बी सारे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है कि एडमिट करता जा रहा है या अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट बोलता जा रहा है। तो देखिए जनरली अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया कि सेक्शन 21 का आधार है सत्यता कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ये आधार है सेक्शन 21 का। तो अगर कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट में या अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट देता है तो अपने फेवर में जनरली दिया गया स्टेटमेंट जो होता है वो क्या है कि ऐसे स्टेटमेंट को हम जनरली मानेंगे कि हर कोई पर्सन अपने फेवर में ही बोलता है और अपने फेवर में आदमी झूठी भी बात कह सकता है और अपने फेवर में आदमी सच्ची भी बात कह सकता है, सही बात भी कह सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मैंने ही सब पैसे लिए हैं, सब मैंने ही क्या बोलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था या जो भी है वो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर बोलता जा रहा है, तो अगर कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रहा है
तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो वैसा स्टेटमेंट जो होगा उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे कि वो स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट झूठा स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो इस वजह से जब हम सेक्शन 21 पढ़ते हैं तो सेक्शन 21 में अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के कारण ये जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट सही प्रतीत होता है, ये स्टेटमेंट सही प्रकट होता है, तो इस वजह से सेक्शन 21 में ऐसा स्टेटमेंट जो होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, जब हम सेक्शन 21 के प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो सेक्शन 21 के जो प्रोवाइजो हैं वो प्रोवाइजो भी देखिए ऐसे प्रोवाइजो हैं जहां पर एक पर्सन अपने इंटरेस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, अपने इंटरेस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट हम झूठा नहीं कह सकते हैं, उस स्टेटमेंट को हम झूठा नहीं कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट सही दिख रहा है या वो स्टेटमेंट सही है। तो देखिए हमने क्या बताया कि आधार सत्यता होना चाहिए, तो सेक्शन 21 में ये बताया कि जब हम प्रोवाइजो पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो था, किसी पर्सन ने सेक्शन 32 में कोई स्टेटमेंट दिया, तो अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद में उसकी जो जान बच गई या वो पर्सन नहीं मरा, तो अगर नहीं मरा तो ऐसा स्टेटमेंट, चूंकि उसने अगर अपने बारे में अपनी इंजरी के बारे में बताया था, तो अगर किसी पर्सन ने अपनी इंजरी के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया था और उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गया, तो अगर वो बच जाता है तो वहां पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं पर से अगर वो बच जाता है तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये स्टेटमेंट सेक्शन 32(1) में रेलिवेंट नहीं होगा। अब देखिए बच गया, हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट होगा उसका? तो जैसे देखिए अगर कोई पर्सन जो था उसको किसी दूसरे पर्सन ने इंजर्ड किया बुरी तरीके से, बेहोश हो गया, बेहोश हो जाने के बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद में जैसे ही होश आया तुरंत डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने पूछा भाई आपको ये इंजरी किसने पहुँचाई थी, तो उसने तुरंत जो नाम लिया वो नाम किसका लिया, मान लीजिए बी का नाम लिया, ए को इंजरी पहुँचाई गई थी और उसने बी का नाम लिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक पर्सन जो था वो अनकॉन्शियस था और भले ही देखिए इंजरी पहुँचाने में और उसको क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट में अगर काफ़ी लंबा भी टाइम हो गया, लेकिन चूंकि वो पर्सन अनकॉन्शियस था तो अनकॉन्शियस होने के कारण वो पर्सन जो है वो किसी भी तरीके से कुछ भी फैक्ट्स वगैरह हैं उन फैक्ट्स को फेब्रिकेट नहीं कर सकता था, कुछ भी नई चीज़ों को या कोई भी एविडेंस वगैरह गढ़ नहीं सकता था, कोई साक्ष्य वगैरह बना नहीं सकता था। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि तुरंत उसका स्टेटमेंट लिया गया, वो स्टेटमेंट उसके अपने फेवर में दिया गया स्टेटमेंट है, लेकिन चूंकि उसको कहानी बनाने का, उसको स्टोरी बनाने का या उसको कोई स्टोरी वगैरह क्रिएट करने का टाइम नहीं मिला, जैसे होश आया तुरंत स्टेटमेंट लिया गया, तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पर से अपने आप में सही या ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है, तो इस वजह से ये सेक्शन 21 में रेलिवेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या बताया कि कोई और भी चीज जो कहीं ना कहीं पर से क्या होता है कि सत्यता को दिखाए, जैसे हमने बताया कि बॉडली फीलिंग्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो अगर बॉडली फीलिंग्स की अगर हम बात करते हैं या कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन क्या करता है कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है, डरा है, कांप रहा है, डर से कांप रहा है, और दूसरा पर्सन आता है जैसे ही उसके सामने तो डर में कांप रहा है और उसके आते ही उसको पसीना छूटने लगता है और साथ में कहता है कि ये पर्सन हमें मार देगा, पसीना आ रहा है और कांप रहा है और ये पर्सन हमें मार देगा। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर उसने अपने फेवर में स्टेटमेंट दिया और दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन शरीर का कांपना और शरीर से उस पर्सन को देख के पसीना आना और उस पर्सन के खिलाफ ही उस पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाना, क्या ये पर्सन उस पोजीशन में था कि ये किसी भी तरीके से कोई स्टोरी बना सकता था या कोई स्टोरी क्रिएट कर सकता था? नहीं था, क्योंकि ऐसी इसकी मानसिक दशा ही नहीं थी, ऐसी इसकी मेंटल स्टेज ही नहीं थी कि ये क्या बोलते हैं कि किसी भी तरीके से कोई स्टोरी बना पाए। तो इस वजह से अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये स्टेटमेंट भी सेक्शन 21 में अपने फेवर में देने के बावजूद भी रेलिवेंट हो जाएगा प्रोवाइजो या सेक्शन
21 के साथ में जो भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं ये वहां पर रेलिवेंट हो जाएगा, भले ही अपने फेवर में दिया गया स्टेटमेंट है। क्यों रेलिवेंट हो जाएगा? आधार हमने बताया, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सेक्शन 21 में ये स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएंगे। सेक्शन 22 देखिए जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है, तो सेक्शन 22 में जो प्रोविजन किया गया वो प्रोविजन ये बताता है कि अगर अपने क्या बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या ओरल एडमिशन किया जा सकता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट के एडमिशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है सेक्शन 22। तो देखिए कोई भी अगर हम बात करें कि जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मामले में क्या होगा कि जब हम सेक्शन 59 पढ़ते हैं और सेक्शन 59 के साथ में सेक्शन 91 को पढ़ते हैं, तो वहां पर ये लिखा बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्री चीजें होंगी या जो भी चीजें डॉक्यूमेंट में हैं उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से ही साबित किया जाएगा, या जो भी कुछ दिया जाएगा उसको प्रूव करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ही होना चाहिए, उसको ओरल में नहीं दिया जा सकता है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि क्या सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, तो बिल्कुल कोई भी पर्सन अगर ओरल में क्या बोलते हैं कि एडमिशन करना चाहता है डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर वो इस बात को साबित कर दे कि उसको सेकेंडरी एविडेंस देने का हक है, कि वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है, तो अगर वो पर्सन इस बात को साबित कर देता है कि उसको क्या बोलते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस देने का हक है, तो अगर उसको सेकेंडरी एविडेंस देने का हक है इस बात को वो साबित कर देता है, तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होगा कि वैसा पर्सन जो होगा वैसा पर्सन वैसे एविडेंस को कोर्ट में या वैसे स्टेटमेंट को कोर्ट में दे सकता है। सेक्शन 23 की अगर हम बात करें तो पूछा भी जाता है कि सिविल मामलों से संबंधित, तो सेक्शन 23 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 23 जो है वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी की बात करता है, और सेक्शन 23 जो है सेक्शन 23 की अगर हम बात करें तो जब हम ऑर्डर 10 पढ़ते हैं, रूल 1A और रूल 1B पढ़ते हैं, तो ऑर्डर 10 रूल 1A और रूल 1B या इसी तरीके से अगर हम इसके साथ में पढ़े तो सेक्शन 89 जो सीपीसी का है, सेक्शन 89 सीपीसी। तो देखिए यहां पे जब हम बात करते हैं कि ऑर्डर क्या बोलते हैं कि 10 सेक्शन 89, तो जब हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन 23 पढ़ते हैं तो सेक्शन 23 एविडेंस एक्ट जो है वो उसी पर्पस से या उसी उद्देश्य से उसको बनाया गया है। तो देखिए सेक्शन 23 को हमने क्या बताया कि उद्देश्य क्या है, कि यही उद्देश्य है सेक्शन 23 को बनाने का कि वो मतलब आउटसाइड फ्रॉम द कोर्ट, देखिए सेटलमेंट आउटसाइड फ्रॉम द कोर्ट की अगर हम बात करें कि या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट के करने के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 23 भी का भी वही उद्देश्य है, और सेक्शन 89 या ऑर्डर 10 रूल 1A से लेकर रूल 1B के जो प्रोविजंस हैं तो उसमें जो बात की गई है कि वो कोर्ट के बाहर मामले को निपटाने से संबंधित प्रोविजन किया गया है। तो देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे, तो मान लीजिए देखिए दो लोगों के बीच में अगर किसी फैक्ट को लेके ये समझौता हो गया कि भाई हम आपको ये फैक्ट दे रहे हैं, आप मुझे ये ऐसा फैक्ट दे रहे हैं, इस फैक्ट को हम कोर्ट में नहीं देंगे, तो देखिए अगर ऐसी कोई प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पर कोई स्टेटमेंट वगैरह ले लिया गया है तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो कुछ स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं दिया जा सकता, ये बात करता है सेक्शन 23। लेकिन देखिए अगर हम बात करें कि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पर कोई एडमिशन किया गया है तो एडमिशन जो होगा अगर हम बात करें तो सिविल मामलों पर तो ये अप्लाई होगा कि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पर अगर कोई स्टेटमेंट लिया गया है तो सिविल मामले जो होंगे सिविल मामलों पर या सिविल केसेस पर तो इसका एप्लीकेशन होगा और ऐसे स्टेटमेंट को कोर्ट में नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें कि क्रिमिनल मामलों में, मतलब अगर हम कन्फेशन की बात करें कि कन्फेशन को अगर ले लिया गया अदरवाइज तरीके से, या कन्फेशन को ले लिया गया है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे, या कन्फेशन को डिसेटफुल मैनर से ले लिया गया है, या कन्फेशन इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में दे दिया गया है, या कन्फेशन जो है कन्फेशन की अगर हम बात करें कि कन्फेशन क्या बोलते हैं कि चुपके से अगर ले लिया गया, तो देखिए अगर कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट है तो मात्र इस कारण से इररेलीवेंट नहीं हो जाएगा कि कन्फेशन प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे या डिसेटफुल मैनर या इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में लिया गया है। तो अब अगर हम बात करें कि जब कन्फेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कन्फेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो सेक्शन 29 में प्रोविजन कर रखा गया है
कि अगर कोई कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट है, अगर कोई कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट है तो मात्र इस कारण से इरेलीवेंट नहीं हो जाएगा कि उसको प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी पे लिया गया है या उसको कैसे लिया गया है कि उसको डिसीटफुल मैनर से लिया गया है या उसको क्या बोलते हैं कि चुपके से ले लिया गया है, ठीक है, वो कन्फेशन जो होगा वो रेलिवेंट होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 में देखिए क्या बताया गया है कि एडमिशन जो कन्फेशन किया गया है, कन्फेशन कैसा है, थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट से अगर कन्फेशन किया गया है कि इफ एनी कन्फेशन इज मेड या इफ एनी पर्सन कन्फेस विद द इफेक्ट ऑफ थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट सच कन्फेशन विल इररेलेवेंट, सच कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट। तो वहां पे अगर हम बात करें कि अगर कोई कन्फेशन थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट में किया गया है तो ऐसा कन्फेशन जो होगा वो इररेलेवेंट हो जाएगा। देखिए जब हम सेक्शन 24 पढ़ते हैं तो सेक्शन 24 ही वो सेक्शन है जहां पर कन्फेशन के इररेलेवेंट होने की बात की गई है, जबकि सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 की अगर हम बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि कन्फेशन शैल नॉट बी प्रूव्ड, कन्फेशन जो होगा उसको प्रूव नहीं किया सकता, इररेलेवेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कन्फेशन जो है अगर सेक्शन 24 की कंडीशंस है तभी कन्फेशन इररेलेवेंट होगा, सेक्शन 25 और सेक्शन 26 की कंडीशन में कन्फेशन जो होता है वो इररेलेवेंट नहीं होता लेकिन एडमिसिबल नहीं होता है। इररेलेवेंट नहीं होता वो क्या है कि रेलिवेंट है लेकिन उसको एडमिसिबल नहीं बनाया गया या उसके खिलाफ किसी भी एविडेंस को एडमिसिबल नहीं बनाया जाएगा। तो हम यहां पर देखिए बात करते हैं कि जब कन्फेशन की तो हम आते हैं सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 में देखिए क्या बताया गया कि इफ एनी पर्सन मेड एनी कन्फेशन बाय द इफेक्ट ऑफ थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट सच कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट, सच कन्फेशन विल इररेलेवेंट। अगर हम बात करें कि ऐसा कन्फेशन क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया कि कन्फेशन कैसे किया जाना चाहिए, बाय द इफेक्ट ऑफ थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट। अब ये थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट दिया किसके द्वारा जाना चाहिए, तो सच थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी गिवन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, किसके द्वारा दिया जाना चाहिए कि ऐसा थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट जो है वो किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा दिया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए जो बताया गया कि सच थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू, सच थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू चार्ज, सच थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू चार्ज एंड इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी टेम्पोरल नेचर, सच थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी टेम्पोरल नेचर। तो जब हम सेक्शन 24 पढ़ते हैं तो सेक्शन 24 की अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वहां पर क्या होगा कि कन्फेशन इररेलेवेंट होगा, अदरवाइज अगर हम बात करें तो कन्फेशन जो होगा वो इररेलेवेंट नहीं होगा। तो देखिए कन्फेशन को रेलिवेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट में ना दिया गया, ठीक है, थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट में ना दिया गया। देखिए यहां पर हमने क्या बताया कि हम एक एक पॉइंट पे आते हैं कि थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट दिया गया, पहला पॉइंट हो गया सच थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी गिवन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, कि उसे किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा दिया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट किसी भी पर्सन ने दे दिया तो क्या होगा कि एडमिशन जो कन्फेशन होगा वो रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट उस पर्सन के द्वारा दिया जाना चाहिए जो उस मामले में इंटरफेयर कर सकता हो, उस मामले में हस्तक्षेप करने का उसके पास में राइट हो, कि अगर वो उस केस में हस्तक्षेप कर सकता है तो उसी पर्सन के द्वारा अगर थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट दिया जाता है तो ऐसा थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट जो होगा कि कारण कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा। दूसरी चीज की जो बात बताई गई है यहाँ पे, दूसरा क्या बताया गया है कि थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू चार्ज, कि अब देखिए थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट अगर किसी भी चीज के लिए दे दिया गया कि बोल दिया गया कि भाई अगर आप कन्फेशन नहीं करोगे तो आपको गांव से निकाल दिया जाएगा, अगर आप कन्फेशन नहीं करोगे तो आपको जाति से निकाल दिया जाएगा, अगर आप कन्फेशन नहीं करोगे तो लोगों को मैं भड़का दूंगा, लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट जो दिया तो गया है या सॉरी यहाँ पर थ्रेट दिया तो गया है लेकिन ये जो थ्रेट दिया गया है ये चार्ज से संबंधित नहीं है,
चार्ज से संबंधित ये कब होता, जब दिया गया थ्रेट जो है देखिए इस तरीके से होता कि भाई आपने मर्डर किया है और अगर आप कन्फेशन कर लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम आपकी सजा को बहुत ही कम करवा देंगे, हम आपकी सजा को बहुत ही कम करवा देंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि मर्डर में उसने क्या कहा कि आपको वैसे तो डेथ सेंटेंस मिलेगा लेकिन अगर आप कन्फेशन कर लेते हो तो फिर हम आपकी सजा को कम करवा के क्या कर देंगे कि 2 साल की सजा में कन्वर्ट करवा देंगे। तो ये जो प्रॉमिस किया गया है ये प्रॉमिस किससे रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। लेकिन जाति से निकाला जाना, धर्म से निकाला जाना, लोगों के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा अगर आप कन्फेशन नहीं करोगे, तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जाता तो वो चार्ज से रिलेटेड नहीं है। और चार्ज से रिलेटेड ना होने के कारण ऐसी धमकी जो होगी ऐसी धमकी से कन्फेशन पर किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए हम बात करते हैं कि सच थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी टेम्पोरल नेचर। तो देखिए सच थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट मस्ट बी टेम्पोरल नेचर। टेम्पोरल नेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्पोरल नेचर का मतलब ऐहिक प्रकृति मतलब सांसारिक प्रकृति की चीजें होनी चाहिए। अब सांसारिक प्रकृति की चीजें का मतलब क्या हो गया कि हम कब कहेंगे कि वो सांसारिक प्रकृति की हैं या सांसारिक प्रकृति की नहीं है। तो देखिए सांसारिक प्रकृति का मतलब ये है कि ना तो किसी ने स्वर्ग देखा, ना किसी ने नर्क देखा है और ना ही किसी ने इंद्र भगवान को देखा है। तो अब अगर कोई कहता है कि अगर आप कन्फेशन कर लेते हो और कन्फेशन करने के बाद में आपको जो सजाए मौत मिलेगी, सजाए मौत मिलने के बाद में आप सीधे स्वर्ग जाओगे, बड़ा अच्छा टाइम है, आपको स्वर्ग मिलेगा ऐसा कुछ बोल दिया जाता। तो देखिए इस तरीके का जो प्रॉमिस किया जा रहा है, ये प्रॉमिस किया जा रहा है चार्ज से रिलेटेड है ये कि आप अगर कन्फेशन कर लेते हो तो डेथ सेंटेंस के बाद में जब आप मरोगे तो आपको स्वर्ग, सीधे स्वर्ग का रास्ता आपके लिए या स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। तो ये टेम्पोरल नेचर का नहीं है। और टेम्पोरल नेचर का ना होने के कारण अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसा कन्फेशन रेलिवेंट होगा। अब हम देखिए जब बात करते हैं सेक्शन 24 की, तो सेक्शन 24 में देखिए जो बताया गया है कि जो हमने बताया यहाँ पर कि थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट होना चाहिए, हमने क्या बताया कि थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट होना चाहिए। तो थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट था भी और उसके बावजूद भी क्या कन्फेशन जो होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। तो देखिए थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट था और सारी सेक्शन 24 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। तो अगर सेक्शन 24 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी तो सेक्शन 24 की कंडीशन को फुलफिल होने के साथ साथ में अगर हम बात करें क्या ऐसे कन्फेशन को रेलिवेंट माना जाएगा या कन्फेशन को रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। तो देखिए थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट था और किसी पर्सन ने कन्फेशन कर लिया, सेक्शन 24 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। लेकिन अगर 28 के प्रोविजंस अगर अप्लाई हो जाते हैं, सेक्शन 28 के प्रोविजंस को लागू कर दिया जाता है तो वहां पर क्या होगा कि थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट होने के बावजूद भी कन्फेशन जो होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से कहें कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 24 इज द सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 24 इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर 28 की कंडीशंस लागू हो जाएंगे तो वहां पर 24 जो है 24 में जो भी कुछ किया गया या जो कन्फेशन इररिलेवेंट था वो मात्र 24 के कारण इररिलेवेंट नहीं रह जाएंगे। अब हम 28 की कंडीशंस के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। सेक्शन 28 में ये बताया गया है कि अगर कोई कन्फेशन किया गया है, वो कैसे किया गया, थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट ऑथराइज पर्सन ने किया, टेम्पोरल नेचर का भी था, चार्ज से भी संबंधित था, सारा कुछ था। लेकिन हम बात करेंगे 28 में, तो 28 ये कहता है कि अगर थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट जो था और कन्फेशन कि अगर कोई थ्रेट दिया गया और कोई कन्फेशन हुआ तो थ्रेट और कन्फेशन में अगर बहुत लंबा गैप हो जाता है या बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है
तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम का ड्यूरेशन हो गया, टाइम ड्यूरेशन बहुत निकल गया कि थ्रेड दिया गया था मान लीजिए 15 साल पहले या 2 साल 3 साल 5 साल पहले, और ये पर्सन कन्फेशन कब कर रहा है 2 साल 5 साल के बाद में। तो देखिए ऐसा नहीं कि एक बार लाइफ में किसी को डरा दिया गया तो पूरी ज़िंदगी डरता रहे। क्या कोई पर्सन पूरी ज़िंदगी डरेगा या जब तक उसकी लाइफ रहेगी तब तक डरता रहेगा उस स्टेटमेंट से? नहीं। देखिए डर भी जो होता है, डर भी एक समय तक रहेगा और उसके बाद में मन से आदमी का जो डर होता है वो डर निकल जाता है। तो अगर किसी ने कहा कि आपने फला फला कन्फेशन नहीं किया तो हम आपको सजा जो होगी वो बढ़वा देंगे, आपकी सजा बढ़वा देंगे, आपके ऊपर चार्जेस वगैरह लगवा देंगे। और इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया गया था वो स्टेटमेंट और कन्फेशन में अगर बहुत लंबा गैप हो जाता है तो उससे क्या होगा कि सेक्शन 24 में जो भी चीज़ें हमने आपको बताई कि वो पूरी तरीके से लागू भी हो रही थी, फिर भी कन्फेशन जो होगा वो रेलिवेंट होगा। इसके अलावा में अगर हम बात करें कि जिस पर्सन ने कन्फेशन दिया है और जिस पर्सन को कन्फेशन दिया गया, तो जिस पर्सन ने जब कन्फेशन दिया था वो उससे ज़्यादा ऑथराइज पर्सन हुआ करता था। कि मान लीजिए कोई पर्सन जो था जिसने क्या बोलते हैं कि धमकी दी, तो जिस पर्सन ने धमकी मतलब थ्रेट प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट दिया, और जिस पर्सन को थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट दिया गया था वो पर्सन जो था वो ऑथराइज पर्सन नहीं था, लेकिन जिसने थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट दिया था वो उससे ज़्यादा ऑथराइज पर्सन था या वो ऑथराइज पर्सन था। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जिस पर्सन को थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट दिया गया था और जिसने दिया था उससे ज़्यादा ऑथराइज हो जाता है वो पर्सन जिसको थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट दिया गया था, तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा स्टेटमेंट सेक्शन 24 के कारण भी 24 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो भी रही हैं फिर भी ये स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगा। तीसरी देखिए अगर हम बात करें कि अगर किसी ऑथराइज पर्सन जो के द्वारा थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट दिया गया उससे ज़्यादा ऑथराइज पर्सन जो है उससे ज़्यादा ऑथराइज पर्सन उसको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है, तो उससे ज़्यादा ऑथराइज पर्सन उसको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है तो वहाँ पर क्या होगा कि थ्रेट प्रॉमिस इंड्यूसमेंट के बावजूद भी ऐसा स्टेटमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रेलिवेंट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 में ये बताया गया कि पुलिस ऑफिसर को अगर कोई कन्फेशन दिया जाता है या पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन किया जाता है तो वो कन्फेशन जो होगा वो रेलिवेंट तो होगा लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होगा। कि अगर पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन किया गया तो वो एडमिसिबल नहीं होगा लेकिन रेलिवेंट है। सेक्शन 26 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट ना दिया गया, कोई भी पर्सन पुलिस कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान उसने किसी भी पर्सन को कन्फेशन किया, किसी भी पर्सन को, तो पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान अगर उसने किसी भी पर्सन को कन्फेशन किया है तो ये कन्फेशन भी जो होगा ये कन्फेशन भी क्या होगा कि रेलिवेंट होगा लेकिन ये एडमिसिबल नहीं होगा। सेक्शन 27 में ये बताया गया डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात की गई है कि अगर कोई पर्सन जो है उसने कोई स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट की वजह से कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, उस स्टेटमेंट की वजह से कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, तो अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया, अभी एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो सेक्शन 27 में जो स्टेटमेंट है सच स्टेटमेंट विल अमाउंट टू इन कन्फेशन और नॉट, कि ऐसा स्टेटमेंट या तो कन्फेशन हो सकता है या कन्फेशन नहीं भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन 27 में किसी स्टेटमेंट को रेलिवेंट होने के लिए स्टेटमेंट कन्फेशन के रूप में ही हो। अगर वो कन्फेशन नहीं भी है, वो स्टेटमेंट कैसा है कि वो स्टेटमेंट कोई और स्टेटमेंट भी है लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू कुछ भी डिस्कवर किया जा रहा है या कुछ भी डिस्कवरी हो रही है तो वैसा स्टेटमेंट जो होगा वो सेक्शन 27 में रेलिवेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और सेक्शन 27 जो है, सेक्शन 27 में आपसे अगर पूछा जाता है कि सेक्शन 27 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 24 और सेक्शन 25 और सेक्शन 26, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि सेक्शन 27 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 24, 25 एंड सेक्शन 26, ठीक है, 24, 25 एंड सेक्शन 26, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन तीनों ही सेक्शन का एक्सेप्शन है, 24, 25, 26 तीनों का ही एक्सेप्शन है, किसी पार्टिकुलर सेक्शन का एक्सेप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 30।
सेक्शन 30 देखिए, 29 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 28 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आते हैं सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 में देखिए जो प्रोविजन किया गया है वो कन्फेशन बाय को-अक्यूज्ड की बात करता है। सेक्शन 30 किसकी बात करता है? कन्फेशन बाय को-अक्यूज्ड की बात करता है सेक्शन 30। तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई कि कन्फेशन बाय को-अक्यूज्ड कब किया जाना चाहिए, तो सेक्शन 30 के लिए कंडीशंस आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए पहला तो देखिए क्या होना चाहिए कि कोई ऑफेंस जो है वो टू और मोर पर्संस के द्वारा किया जाना चाहिए, और उन सारे पर्संस का जो ट्रायल होना चाहिए वो ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, सारे लोगों का ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रायल उसमें से कोई एक पर्सन जो है वो अपने अगेंस्ट भी स्टेटमेंट देता है और अपने साथी जो हैं उनके अगेंस्ट भी स्टेटमेंट देता है, और ऐसे स्टेटमेंट को साबित कर दिया जाता है, तो वहां पर सेक्शन 31 जो होगा, सॉरी सेक्शन 30 जो होगा, सेक्शन 30 का एप्लीकेशन हो जाएगा। तो देखिए सेक्शन 30 में कन्फेशन बाय को-अक्यूज्ड के बारे में बताया गया, और ये कन्फेशन देखिए कब की जानी चाहिए, तो ड्यूरिंग ट्रायल कन्फेशन होना चाहिए, ड्यूरिंग ट्रायल कन्फेशन होना चाहिए। और ट्रायल के दौरान अगर कन्फेशन अपने अगेंस्ट और दूसरों के अगेंस्ट भी करे, अपने अगेंस्ट भी करे और दूसरों के अगेंस्ट भी करे, तो अगर वो अपने अगेंस्ट भी करता है कन्फेशन और दूसरों के अगेंस्ट भी करता है कन्फेशन, तो ये कन्फेशन जो होगा ये कन्फेशन कहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगा, ये सेक्शन सेक्शन 30 में रेलिवेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बात की गई कि ये जो कन्फेशन होगा सेक्शन 30 में, ये कन्फेशन की जो एविडेंसरी वैल्यू होगी वो एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको हम एक डायरेक्टिव एविडेंस की तरीके से देख सकते हैं, या अगर हम बात करें कि सेक्शन 30 में जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट को हम कोरोबरेटिव एविडेंस के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन इसे हम सब्सटेंटिव काइंड ऑफ एविडेंस के तौर पर नहीं देखेंगे। तो सेक्शन 30 में दिया गया स्टेटमेंट जो है उसको हम सब्सटेंटिव काइंड ऑफ एविडेंस के तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, उसको क्या माना जाएगा, उसको एक कोरोबरेटिव एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि सेक्शन 30 में दिया गया जो कन्फेशन है वो कन्फेशन की क्या एविडेंसरी वैल्यू होगा, उसका क्या यूज है, तो यूज के बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि देखिए इसका यूज क्या है, कि मान लीजिए जो अक्यूज थे अक्यूज के खिलाफ कुछ एविडेंसेस थे, अक्यूज के खिलाफ कुछ एविडेंसेस थे, और यहां पर जो अक्यूज्ड है उसने जो स्टेटमेंट वगैरह दिया है, अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ एविडेंसेस थे, और जो कन्फेशन किया गया है, तो वो कन्फेशन का देखिए क्या वैल्यू है, कि वो कन्फेशन जो एविडेंसेस अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ पाए गए थे उस इस कन्फेशन का प्रयोग जो होगा वो उस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए या उस एविडेंस को कोरोबरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मान लीजिए इन्हीं अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ कुछ एविडेंस मिला, लेकिन वो एविडेंस इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो अक्यूज पर्सन की लायबिलिटी बना सके, तो वो स्टेटमेंट या वो एविडेंस इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो अक्यूज पर्सन की लायबिलिटी बना सके, तो यहाँ पर जो कन्फेशन बाय को अक्यूज्ड होगा वो क्या किया जा सकता है, कि कन्फेशन बाय को अक्यूज्ड होगा उस स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कि जो अक्यूज पर्सन होंगे, बाकी अक्यूज पर्सन होंगे, बाकी अक्यूज पर्सन के खिलाफ उस एविडेंस को सपोर्ट करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, सेक्शन 30 में ये बताया गया है। इससे रिलेटेड केसेस वगैरह भी हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि नाथूलाल का केस है, कश्मीरा सिंह का केस है, वो हमने केस की लिस्ट निकाल रखी है, वो हम बाद में आपको एक दिन पूरा हम जो भी केसेस वगैरह हैं उन केसेस वगैरह के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से केसेज आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए अगली जो बात की गई सेक्शन 31, सेक्शन 31 में प्रोविजन क्या किया गया है, कि जो एडमिशन होगा, एडमिशन क्या है कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशन जो होगा एडमिशन को कंक्लूसिव प्रूफ के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, लेकिन एडमिशन जो है वो रूल ऑफ स्टॉपल क्रिएट करता है या स्टॉपल क्रिएट करेगा। तो हम बात करते हैं कि एडमिशन की, तो एडमिशन में हमने क्या बताया कि एडमिशन जो होगा एडमिशन क्या कर सकता है, स्टॉपल के रूप में तो वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन को हम कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेंगे। अब देखिए रीजन है कि अगर एडमिशन को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया गया, तो अगर एडमिशन को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि अगर किसी पर्सन ने एक बार एडमिशन कर लिया तो उसके बाद में क्या होगा कि ना तो कोर्ट के पास में राइट है, ना किसी पार्टी के पास में राइट है, ना उस पर्सन के पास में राइट है कि वो अपनी एडमिशन को रिवर्ट कर सके। तो इसी वजह से जब हम बात करते हैं एडमिशन की, तो एडमिशन को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 31 में, हमने बता दिया, अब हम आते हैं सेक्शन 32।
एक बात ध्यान रखिए आप लोग, सेक्शन 32 जो है, सेक्शन 32 केवल डाइंग डिक्लेरेशन की बात नहीं करता है। सेक्शन 32(1) में केवल डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 32(2) से लेकर 8 तक जो प्रोविजंस किए गए हैं, वो सारे जो प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजन किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, वो किसके बारे में बात करते हैं, तो 32(2) से लेकर 8 तक जो प्रोविजन है वो बात करते हैं कि किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसकी डेथ हो गई है या जो मिल नहीं रहा है, जिसकी डेथ हो गई है या जो मिल नहीं रहा है, उसके स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। लेकिन 32(1) जो है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 जो है, वो केवल और केवल डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 32(1), इसमें केसेस वगैरह भी आप लोग देखेंगे, पाकला नारायण स्वामी का केस देखेंगे और भी बहुत सारे केस देखेंगे, जैसे कुशाल राव का केस है, ठीक है। जब भी हम केस देंगे तो केस के लिस्ट में ये भी केसेस वगैरह होंगे, क्या कोर्ट ने हेल्ड किया था वो भी हम बताएंगे, और कौन सा रिसेंट केस है, आधी अधूरी अगर कन्फेशन क्या बोलते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो अभी देखिए यहाँ पे हम जो बात करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन देखिए क्या है कि अगर कोई पर्सन को कोई इंजरी वगैरह हुई है और वो अपनी इंजरी के कॉज के बारे में बताता है कि किसी पर्सन को अगर कोई इंजरी हुई है और वो इंजरी के कॉज के बारे में अगर बताता है, तो अगर वो इंजरी के कॉज के बारे में कोई भी पर्सन बताता है तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर कॉज के बारे में बताने के बाद में उसकी डेथ हो गई, कि अपने उसने इंजरी के कॉज को बताया और उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा स्टेटमेंट जो होगा वो सेक्शन 32(1) में रेलिवेंट हो जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट कहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगा, सेक्शन 32(1) में रेलिवेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये तो हमने जैसे बताया कि ए जो था, ए बुरी तरीके से इंजर्ड था और उसने बताया कि मुझे फला फला पर्सन ने इंजरी की और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट होने के दौरान डेथ हो गई, तो ट्रीटमेंट होने के दौरान डेथ हो गई या उसी समय उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा स्टेटमेंट जो होगा वो सेक्शन 32(1) में रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है, क्या फिर भी स्टेटमेंट टाइम डिक्लेरेशन के रूप में रेलिवेंट हो जाएगा, तो सेक्शन 32 में दो पार्ट्स हैं, एक में इंजरी की बात की गई और दूसरे में ये बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन ट्रांजेक्शन के उस सर्कमस्टेंस के बारे में बताता है, अगर कोई पर्सन ट्रांजेक्शन के उस सर्कमस्टेंस के बारे में बताता है जिसमें उसकी डेथ हुई है, तो ऐसा स्टेटमेंट वो भी सेक्शन 32(1) में रेलिवेंट हो जाएगा। तो इस पर सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो पाकला नारायण स्वामी का केस का उदाहरण है। अब देखिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इंग्लिश लॉ में क्या है, इंडियन लॉ में क्या है, ये ज़रूरत नहीं है आपको प्री में जानने की कि इंग्लिश लॉ में क्या रूल है, इंडियन लॉ में क्या रूल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि इंग्लिश लॉ के एक क्वेश्चन पे एक जो प्रॉब्लम है उस पर पूछा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन जो होगा, डाइंग डिक्लेरेशन को किस पर लागू किया जाएगा, या डाइंग डिक्लेरेशन की जो एविडेंसरी वैल्यू होगी वो किन मामलों में होगी, या डाइंग डिक्लेरेशन को किन मामलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए इस बात को ध्यान रखिए आप लोग कि केवल क्रिमिनल मामले जो होंगे, केवल क्रिमिनल मामलों में ही डाइंग डिक्लेरेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्रिमिनल और सिविल दोनों ही मामलों में डाइंग डिक्लेरेशन जो होगा, डाइंग डिक्लेरेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिए आप लोग कि डाइंग डिक्लेरेशन जो होगा, डाइंग डिक्लेरेशन का क्रिमिनल और सिविल दोनों ही मामले जो होंगे, दोनों ही मामलों में डाइंग डिक्लेरेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि सेक्शन 32(2), सेक्शन 32(2) में देखिए ये बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन क्या बोलते हैं कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या करता है कि कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करता है या कुछ चीज़ों को लिखता है, कि जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि आप किराए पे रह रहे हैं, मकान मालिक को पैसा दे रहे हैं जाके, तो अगर आप किराए पे दे रहे हैं और मकान मालिक को किराए पे रह रहे हैं और मकान मालिक को पैसा दे रहे हैं जाके, तो आपने मकान मालिक को पैसा दिया, उसने क्या किया कि एक डायरी है, उस डायरी में पैसे को लिखता है, या कोई कागज वगैरह है, कागज पे पैसे को लिखता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर उसने डायरी को मेंटेन कर रखा है, तो ये देखिए क्या है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो पर्सन वैसे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, और देखिए रिकॉर्ड करने के बाद में मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, उस पर्सन की डेथ हो गई और डिस्प्यूट ये हुआ, क्या डिस्प्यूट हुआ कि क्या बोलते हैं कि क्या डिस्प्यूट देखिए ये हुआ कि क्या किराया दिया गया है या किराया नहीं दिया गया है। तो देखिए उस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टीज के बीच में,
तो अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो वहां पर क्या होगा कि जो डायरी में लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सेक्शन 32(2) में रेलिवेंट हो जाएगा, सेक्शन 32(2) में रेलिवेंट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर देखिए स्टेटमेंट किसका होना चाहिए, एक ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट होना चाहिए जो पर्सन हमने क्या बताया कि जिसकी डेथ, जिसने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई, डेथ के बाद में उस कोर्स ऑफ बिजनेस से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सेक्शन 32(3) तो सेक्शन 32(3) भी जो बात करता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किया था या लिख रखा था तो अपने स्टेटमेंट, अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई स्टेटमेंट उसने लिखा था और उसकी डेथ हो गई तो ऐसा स्टेटमेंट उसके खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो अब देखिए एक पर्सन जो होता है वो अपनी डायरी में ये लिख के जाता है, क्या डायरी में लिख के जाता है कि मुझे फला पर्सन का 10,000 रुपये देना है। एक पर्सन ने डायरी में क्या लिख रखा है कि मुझे फला फला पर्सन का 10,000 रुपये देना है। तो देखिए डायरी में उसने इस चीज को लिखा कि मुझे फला पर्सन के 10,000 रुपये देने, तो ये अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसने स्टेटमेंट डायरी में लिख रखा है। अब उसकी डेथ हो गई, ये डिस्प्यूट हुआ, पर्सन कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, ये जो पर्सन मर गया है इससे इसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अब अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पर डायरी में लिखा गया स्टेटमेंट जो होगा वो सेक्शन 32(3) में रेलिवेंट हो जाएगा। इसके अलावा में सेक्शन 32(4) और सेक्शन 32(5) और सेक्शन 32(6) जो है ये दोनों भी पूछे जाते हैं, सेक्शन 32(5) एंड सेक्शन 32(6) तो ये नातेदारी से संबंधित है। ये दोनों किससे संबंधित है, नातेदारी से संबंधित है या रिलेशनशिप से संबंधित है। तो देखिए रिलेशनशिप से संबंधित जो बात की गई कि फला पर्सन क्या इस परिवार से बिलोंग करता था या नहीं बिलोंग करता था, तो किसी पर्सन का जैसे डॉक्टर ने मान लीजिए कि कोई नर्स थी, नर्स ने क्या किया कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मान लीजिए उसने ये लिखा कि हाँ फला पर्सन जो ये बच्चा जो पैदा हुआ ये फला फला पर्सन का है। तो देखिए बच्चा फला फला पर्सन का है उसने ये चीज़ लिखी, तो अब बच्चे की लेजिटिमेट या बच्चे का ये डिस्प्यूट होता है कि बच्चा क्या वो पर्सन जो है वो पर्सन उसका फादर है या फादर नहीं, अगर ये डिस्प्यूट होता है तो डायरी में लिखी हुई चीज़ें जो होंगी वो सेक्शन 32(5) और सेक्शन 32(6) में रेलिवेंट हो जाएंगी जैसी स्थिति हो। 33 में देखिए अगर हम बात करें तो सेक्शन 33 में देखिए क्या बताया गया है, सेक्शन 33 ये कहता है, सेक्शन 33 क्या कहता है कि सेक्शन 33 ये कहता है कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया, जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया और देने के बाद में सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में फिर सब्सिक्वेंटली उसके स्टेटमेंट की आवश्यकता है, ऐसे पर्सन के स्टेटमेंट की फिर से आवश्यकता है, तो अगर उस पर्सन के स्टेटमेंट की फिर से आवश्यकता है तो वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर क्या किया जाएगा कि जो पर्सन है पर्सन का स्टेटमेंट देखिए कब रेलिवेंट हो जाएगा, या तो वो मर गया जो देखिए प्रीवियसली उसने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद में उसकी डेथ हो गई और सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में फिर उसके स्टेटमेंट की आवश्यकता है और उससे पहले उसकी डेथ हो गई तो उसका प्रीवियस स्टेटमेंट जो होगा प्रीवियस स्टेटमेंट ही रेलिवेंट हो जाएगा, ये बात की गई सेक्शन 33 में। अब देखिए जब हम सेक्शन 33 पढ़ते हैं तो जब हम मेंस के दौरान पढ़ेंगे तो इसमें हम सीआरपीसी के भी प्रोविजंस को लिंक करते हुए पढ़ेंगे, जैसे 299 और उसके अलावा में भी और सेक्शंस हैं तो उन सेक्शंस को भी हम इंटरलिंक करते हुए चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है इंटरलिंक करने की। तो ये हो गया। अब उसके बाद में सेक्शन 34 जो है, सेक्शन 34 में देखिए क्या बताया, क्या तो देखिए हमने सेक्शन 34 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए सेक्शन 34 में हमने ये बताया कि अभी हम सेक्शन 16 जब पढ़ रहे थे, सेक्शन 16 में हमने कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की थी, सेक्शन 34 जो है सेक्शन 34 भी उसी के कॉन्टेक्स्ट में है।
देखिए ये मेरे ख्याल से हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आपकी जो क्लास चल रही है प्री की क्लास चल रही है, और हमने एक बात शुरुआत में बोली थी, शायद मेरी बात को आपने ध्यान से नहीं सुना है, कि प्री की क्लास जो होती है वो अलग उसका अप्रोच होता है और मेंस का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो एकदम अलग होता है। प्री और मेंस में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग मेंस की क्लास नहीं करने यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग जो क्लास कर रहे हैं वो प्री की क्लास कर रहे हैं, और प्री की क्लास में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। मेंस की क्लास देखिए, मेंस की क्लास में हमने अभी भी आपको बताया कि हमने सेक्शन 33 पढ़ाया है। 33 में हमने ऊपर ऊपर की चीज़ें आपको बता दी, सेक्शन 33 में क्या प्रोविजन किया वो हमने बता दिया। हमने क्या बताया, जब हमारी मेंस की क्लासेस होंगी तो सीआरपीसी में हम इसके प्रोविजंस के साथ में इंटरलिंकिंग करते हुए चलेंगे, 299 के साथ में और 299 के अलावा में और सेक्शंस के साथ में भी हम इसको इंटरलिंक करेंगे। तो देखिए प्री की क्लास को प्री की तरीके से पढ़ा जाता है। इस तरीके से देखिए, आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर की चीज़ें बताई जा रही हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि जितना जिस एग्जाम के लिए जानना जरूरी है केवल उतना ही आपको जानना है। जो लोग विद्वान बनने के लिए क्या बोलते हैं कि चीजें पढ़ते रहते हैं, कभी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कि अगर आपको 10 सेक्शन जानने की जरूरत है तो आपको 10 ही सेक्शन जानना है पीसीएसजे के लिए, और अगर आप विद्वान बनने के लिए पढ़ाई करते रहे तो मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। प्री का एक अलग अप्रोच है। देखिए अगर आपको बहुत डीपली पढ़नी है चीजें, आपकी मेंस की जो भी क्लासेस होंगी उसमें आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डीपली चीजें बताई जाएंगी। प्री की क्लास में जिस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं प्री में, और जिस तरीके से प्री का अप्रोच है उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे पढ़ाने के बाद में आप चेक करिएगा जाके, मैं बिहार पीसीएसजे के लिए पढ़ा रहा हूँ, चेक करिए बिहार पीसीएसजे का पेपर क्या इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं, डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्री में, ठीक। अगर मैं डीप में पढ़ाने लग गया तो हालांकि हमने सिक्वेंस में कुछ सेक्शंस को नहीं पढ़ाया, ठीक है, अगर मैं डीप में पढ़ाने लग गया तो फिर क्या होगा कि अभी मैं सेक्शन 24 पढ़ा रहा था, सेक्शन 24 से मैं सेक्शन 164 सीआरपीसी में जाता, सेक्शन 164 से मैं 281 पे जाता, 281 के बाद में 463 पे जाता, 463 के बाद में 91 पे जाता। क्या एक सेक्शन में ख़त्म कर सकता था? एक सेक्शन में पूरा टाइम आपका निकल जाता। इस तरीके से प्री की पढ़ाई नहीं की जाती, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्री की पढ़ाई ऐसे नहीं की जाती। हम उस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं, उस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी 24 के साथ में इतने सारे सेक्शंस की इंटरलिंकिंग है। सिंघारा सिंह का केस के जो गाइडलाइंस हैं, अगर वो गाइडलाइंस बताते रहे तो फिर गाइडलाइंस में ही टाइम निकल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, इररेगुलरिटीज़ पे हम चले जाएंगे उसी के साथ में, तो इररेगुलरिटीज़ पे जब हम चले जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा कि इस तरीके से। तो देखिए आप लोग, चूंकि बहुत सारे हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी आपसे शेयर किया जा रहा है वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर किया जा रहा है। शुरुआत की क्लास में हमने बताया कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेंस की प्रिपरेशन करके हमारा प्री निकल जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन से कभी प्री नहीं निकल सकता है। शुरुआत में ही हमने बताया था कि मेंस में आप अगर 30% से मेंस में जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने 100% प्रिपरेशन की है मेंस की, उसमें से मुश्किल से 30% पोर्शन ही आपका प्री में कवर होगा। तो देखिए इस तरीके से आप लोग जो ये बात कर रहे हैं, आप लोग पेपर चेक करिएगा कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, यूपी का पेपर चेक कर लीजिए, राजस्थान का पेपर चेक कर लीजिए, मध्य प्रदेश का पेपर चेक कर लीजिएगा, उसके अलावा में बिहार का पेपर चेक कर लीजिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन सारे स्टेट्स के आप पेपर्स का, जिन 6-7 स्टेट के बारे में हमने आपको बताया था, 7 स्टेट के पेपर के बारे में आप चेक कर लीजिएगा, उत्तराखंड वगैरह हो गया, ठीक है। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है। रही बात, देखिए कोचिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है आपके सिलेक्शन में, मेहनत आपको खुद करनी होती, बस कोचिंग आपको दिशा दिखाता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना और कौन चीज पढ़ना, किस चीज को किस तरीके से पढ़ना, प्री कैसे पढ़ना, मेंस कैसे पढ़ना। बात समझ में आ गई? तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अभी हम कहां पे थे, हम बात कर रहे थे सेक्शन 34। तो सेक्शन 34 में देखिए हमने क्या बताया कि इन कोर्स ऑफ बिजनेस अगर किसी पर्सन ने कुछ बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह को बना रखा है, तो बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह को अगर किसी ने बना रखा है तो वहां पर क्या होगा कि इस तरीके के जो भी अगर बुक्स वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट अगर बना रखा है, चीज़ों को किसी डायरी वगैरह में लिखता है, तो बाद में क्या होता है कि अगर उससे संबंधित कुछ डिस्प्यूट होते हैं,
उससे संबंधित कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो सेक्शन 34 में रेलिवेंट हो जाएंगे, सेक्शन 34 में रेलिवेंट हो जाएंगे। उसके अलावा मैं देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2000 का जो अमेंडमेंट है, 2000 के अमेंडमेंट से कौन सा सेक्शन जो है वो सब्सटीट्यूटेड है, सब्सटीट्यूटेड सेक्शन कौन सा है। तो 2000 का जो अमेंडमेंट है उससे आप लोग नोट कर लीजिए कि सेक्शन 39 जो है वो सब्सटीट्यूटेड है, या वो सब्सटीट्यूटेड सेक्शन के रूप में या प्रतिस्थापित धारा के रूप में है सेक्शन 39। अब देखिए सेक्शन 40 से लेकर 44, अब देखिए सेक्शन 40 से 44 जब हम मेंस की क्लास लेंगे तो हम उसमें सेक्शन 11 सीपीसी का बताएंगे, उसके अलावा में ऑर्डर टू रूल टू सब रूल 3 बताएंगे, उसके अलावा में सेक्शन 300 हम बताएंगे, उसके अलावा में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 भी हम साथ में बताते हुए चलेंगे। लेकिन प्री की क्लास में बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, प्री की क्लास में आपको उसी तरीके से बताया जाएगा जैसे आपके प्री में क्वेश्चन आते हैं। तो आपके अब देखिए हम यहाँ पर ये सारे सेक्शंस बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने चलेंगे, आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप मेंस की क्लास ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इस तरीके से मैटर मिलेगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो देखिए ऊपर ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा प्री के लिए, क्योंकि प्री में हर सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हर सेक्शन में आपको डीप में जानने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्शन 40, तो सेक्शन 40 में जो प्रोविजन किया गया है वो किसके बारे में प्रोविजन किया गया है, रेस जुडिकेटा के कॉन्टेक्स्ट में जो बात की गई है कि अगर किसी भी देखिए कोई भी मामला अगर किसी कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है, तो अगर कोई भी केस किसी कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है तो अगर कोई भी केस किसी कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है तो वहां पर क्या होगा कि सब्सिक्वेंट सॉरी क्या बोलते हैं कि अगर उसी मामले से संबंधित दूसरा केस फाइल करना है तो दूसरा केस कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता है, मतलब उसी मामले पर दूसरा केस कोर्ट में नहीं आ सकता है। तो ये बात सेक्शन 11 में भी बताया गया और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सेक्शन 40 में बताया गया है। तो देखिए हम जब बात करते हैं सेक्शन 40 तो प्री में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है, यहाँ पर सेक्शन 40 में प्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोविजन जो है वो रेस जुडिकेटा के प्रोविजन जैसी बात करता है या रेस जुडिकेटा के प्रावधान जैसी बात करता है, या कौन सा प्रोविजन सेक्शन 11 से के जैसा है, तो कौन सा सेक्शन सेक्शन 11 जैसा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेक्शन 40 जो है, सेक्शन 40 का जो है वो सेक्शन 11 जैसा है, जिसमें ये बताया गया कि प्रीवियस जो डिसीजन होगा वो सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग्स होंगी या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को रुकवाने के लिए रेलिवेंट होगा। फिर सेक्शन 41 की अगर हम बात करें तो देखिए हम सब बिल्कुल अपडेट रहते हैं सारे पेपर से, अभी लास्ट पेपर UPPCSJ का पेपर हुआ, आप देख लीजिएगा जाके कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 41 और सेक्शन 112 पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सेक्शन जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस के रूप में है, कौन सा सेक्शन कंक्लूसिव एविडेंस के रूप में है। तो सेक्शन 41 जो है वो भी कंक्लूसिव एविडेंस की बात करता है, और सेक्शन 112 जो है वो भी कंक्लूसिव एविडेंस की बात करता है। और भी सेक्शंस हैं, और भी जैसे 82 की अगर हम बात करें IPC के, तो वो भी कंक्लूसिव एविडेंस की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जो तरीका है, आप लोग देखिए पेपर चेक करिएगा, हम तो आपको ईयर वाइज भी बता सकते हैं कि किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ईयर वाइज बता सकते हैं आपको, ठीक है। 2015 का हमने सबसे पहले बताया कि CPC जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट कैसा लॉ है, देखिए जाके UPPCS जो 2015 का पेपर देखिए, प्री में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है कि एविडेंस एक्ट कैसा लॉ है, ऑप्शन नंबर ए प्रोसीजरल लॉ, बी प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव बोथ, सी ऑप्शन ओनली सब्सटेंटिव, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको क्या टिक करना है, ओनली प्रोसीजरल लॉ, ओनली प्रोसीजरल लॉ। बिहार में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार PCSJ के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बिहार PCSJ में कब पूछा गया था, 2018 में, वहां पर भी पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम सारे पेपर्स से अपडेट रहते हैं, हम जो भी आपको बता रहे हैं वो अपने क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो भी बता दूंगा उसमें 100% आएगा, ठीक है, हाँ, लेकिन मैं इस बात की जरूर गारंटी ले रहा हूँ कि जो कुछ बताऊंगा उसमें मैक्सिमम पोर्शन फंसेगा, ठीक है। तो आपको इस बात का देखिए 100% कोई ना तो करवा सकता है, ना कोई आप अपने आप भी 100% कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, हमने क्या बताया सेक्शन 41, तो सेक्शन 41 का अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन 41 का जो एप्लीकेशन होगा वो किन किन मामलों पर हो सकता है सेक्शन 41, तो प्रोबेट से संबंधित केसेस पर सेक्शन 41 लागू होगा,
एडमिरल्टी से संबंधित मामलों पर सेक्शन 41 लागू होगा। इसके अलावा में अगर हम बात करें तो मैट्रिमोनियल जो भी मामले होंगे उन पर लागू होगा, और अगर हम बात करें तो इसके अलावा और किन सब चीज़ों को पर लागू होगा, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंसॉल्वेंसी से संबंधित जो भी मामले होंगे उन पर भी लागू किया जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 41 की अगर हम बात करें तो ये कंक्लूसिव डिसीजन माना जाता है और इसका नेचर जो है वो रेम नेचर का है। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि जो डिसीजंस हैं डिसीजंस कौन से डिसीजंस रेम नेचर के होंगे और कौन से पर्सोनम नेचर के होंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चेक करिएगा जाके, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रेम नेचर में अगर हम बात करें तो रेम नेचर में जैसे डिवोर्स की डिक्री अगर आई तो रेम नेचर की है, इंसॉल्वेंसी से संबंधित अगर कोई डिक्री आई तो रेम नेचर की है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के संबंध में अगर कोई डिक्री आई है तो वो पर्सोनम नेचर की होगी, वो पर्सोनम नेचर की होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन 41। सेक्शन 42 में भी रेलिवेंसी ऑफ डिसीजंस की बात की गई है, लेकिन ये जो रेलिवेंसी की बात की गई है ये पब्लिक राइट के संबंध में बात की गई है। सेक्शन 43 में भी रेलिवेंसी ऑफ डिसीजन के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 43 में भी जो रेलिवेंसी ऑफ डिसीजन के बारे में बताया गया है वो क्या बताया गया है कि वहाँ पर देखिए जो बात की गई है कि कोई भी डिसीजन प्रीवियस डिसीजन तभी रेलिवेंट होगा, या कोई भी प्रीवियस डिसीजन जो होगा वो तभी रेलिवेंट हो सकता है जब वो रेलिवेंसी के किसी और प्रोविजन में रेलिवेंट हो। और देखिए आप चेक कर लीजिएगा पेपर 2018 का जो पेपर था, मेंस का पेपर, मैं सारे बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा विश्वास हो इंस्टीट्यूट पे। 2018 का मेंस का पेपर देखिए जाके, एविडेंस एक्ट का, UPPCSJ का, उसमें चेक करिएगा जाके, तो 40 से लेकर 43, 44 तक के प्रोविजंस को वहाँ पर पूछा गया है। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे के जो भी प्रोविजंस होंगे उन आगे के प्रोविजंस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको सफल होना है, तो आपको जो भी गाइड कर रहा है ठीक है, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने टीचर पर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक, देखिए डाइंग डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, साक्षी जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि डाइंग डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, तो डाइंग डिक्लेरेशन सारी की सारी जो डाइंग डिक्लेरेशन होती हैं, सारी की सारी डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होती हैं, सारी की सारी डाइंग डिक्लेरेशन जो हैं वो रेलिवेंट होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है, डाइंग डिक्लेरेशन देखिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में साक्षी डाइंग डिक्लेरेशन किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में डाइंग डिक्लेरेशन किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी किया जा सकता है और किसी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि डाइंग डिक्लेरेशन की कोई फॉर्मेट की बात नहीं की गई, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, तो डाइंग डिक्लेरेशन अगर मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है तो वो क्या होता है कि प्रिवेल करेगा सारे जो भी डाइंग डिक्लेरेशन आपने पूछे। दूसरा देखिए अगर हम बात करें कि देखिए हमने अभी अभी बताया साक्षी आपको कि डाइंग डिक्लेरेशन का कोई फॉर्मेट नहीं, लेकिन फिर भी डाइंग डिक्लेरेशन अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। साक्षी तो वैसे तो कोई रूल नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन किसके पास में किया जाएगा, क्या फॉर्मेट होगा डाइंग डिक्लेरेशन का, कोई फॉर्मेट वगैरह की बात नहीं की गई। डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, किसी भी तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, इशारे से भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा भी केसेस वगैरह पर भी डिस्कस करेंगे। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस भी हम डिस्कस करेंगे कि वो बताया गया। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जवाब ये है कि इन तीनों में से जो मजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन किया गया है वो प्रिवेल कर जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने भी देखिए ऐसा नहीं कि रिसर्च कर रखा है चीज़ों पे, सारे स्टेट्स के पेपर्स वगैरह देखते रहते हैं। ईयर वाइज मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं, मैं देख के बता रहा हूँ, मैं तुरंत आपको बताते चल रहा हूँ कि ये सेक्शन पूछा गया है, ये सेक्शन किस ईयर में पूछा गया है। तो अगर आपको इस तरीके से चीज़ें पता चल रही, मैं ईयर वाइज बता रहा हूँ, मैं आपको कह भी रहा हूँ कि आप चेक करिएगा जाके कि उस साल ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया।
मेंस में क्या पूछा गया, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ, लेकिन देखिए जितना आपको जानने की जरूरत है आप उतना ही जानिए। कंपटीशन इसी से निकलता है। जो लोग विद्वान बनते रहते हैं या विद्वान बनने की कोशिश करते रहते हैं उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास। क्या रिस्पॉन्स?